Dear students, we are doing unit 4 and here we are reading a very interesting story in the land of Lilliput. And we have read that there is a man and he was surrounded by countless little men. And they were so tiny that they had used tiny ladder to climb up on that man. He asked them, "Who are you?" They said, "We are from Lilliput and now you are a prisoner." Now we will take the story from here. "Soon I felt being pushed and then rolled on to the platform." जल्दी ही मुझे ये मैन है स्टोरी सुना रहे थे कि मेरे साथ क्या चला हुआ है, वो बता रहे हैं जल्दी ही मुझे धकेला गया और मुझे कहाँ किया गया, रोल्ड किया गया, किसके ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर. "हे व्हाट आर यू डूइंग, आई स्क्रीम नर्वसली." सो मैं बोलता हूँ, "हे तुम क्या कर रहे हो?" स्क्रीम्ड मीन चिल्लाता, ठीक है, चिल्लाता हूँ बहुत नर्वसली, बहुत घबराते हुए मैं चिल्ला रहा हूँ, "हे कि तुम क्या कर रहे हो?" "You are being taken to the emperor, I was told. क्या तुम मुझे राजा के पास लेके जा रहे हो? मैं I was told, मैं कहता हूँ. "In the palace, I was taken to the emperor's chamber." So मैं पैलेस में हूँ. पैलेस में क्या होता है? आई वॉज टेकन टू द एम्परर चैम्बर. तो जहाँ पर एम्परर यानी राजा का चैम्बर है, ठीक है, जहाँ पर वो रहता है, मुझे वहाँ पर ले जाया गया. ठीक है, चैम्बर मीन्स कमरा. तो पैलेस के अंदर जहाँ पर राजा का कमरा है, मुझे वहाँ पर ले जाया गया. एम्परर का रूम है जहाँ पर. द एम्परर सीम टू बी वाइज. तो एम्परर जो है देखने में कैसा लग रहा था? वाइज. वाइज मीन्स बुद्धिमान. ठीक है, "हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन माय किंगडम?" तो तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो मेरे किंगडम में, मींस जहाँ पर राजा रूल करता है, ठीक है, उस जगह को बोलते हैं किंगडम. तो मेरे राज्य में तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो? ही आस्क्ड इन अ बूमिंग वॉइस. बूमिंग मीन्स लाउड. बहुत ज़ोर से बोलते हुए उसने मुझसे पूछा, मीन्स जो राजा है उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो और तुम मेरे किंगडम में क्या कर रहे हो. आई बिगिन टू एक्सप्लेन. और मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया. माई नेम इज लेमुअल गुलीवर योर मेजेस्टी. महाराज मेरा नाम जो है लेमुअल गुलीवर है. आई एम एन इंग्लिश सेलर एंड पीपल से डैट आई एम ब्रेव एंड करेजियस. सो मैं एक इंग्लिश सेलर हूँ, ठीक है, जो सेल करता हूँ, सेलिंग पे जाता हूँ सीज में, और लोग कहते हैं कि मैं एक बहुत ज़्यादा बहादुर और साहसी हूँ, ठीक है, ब्रेव और करेजियस हूँ. आई स्टॉप टू सी द एम्परर्स रिएक्शन. और मैंने ये बोलते हुए एम्परर की जो रिएक्शन है उसको देखना बंद कर दिया कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है. ही वॉज लिसनिंग केयरफुली, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुन रहा था. सो आई कंटिन्यूड, इसलिए मैं कंटिन्यूड रहा, बोलता रहा, एक्सप्लेन करता रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं. अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग रैक्ट आर शिप, कहता है कंटिन्यू बोलते हुए कि एक बहुत ज़बरदस्त तूफान आया जिसने कि रैक्ट मीन डिस्ट्रॉय कर दी, तोड़ दी मेरी शिप को. मतलब वो सी में था और बहुत ज़बरदस्त तूफान जो है सी में चला,
जिसने कि उस तूफान ने क्या किया, उसके शिप को तोड़ दिया. आई फाउट अंगेज द स्ट्रॉम, जब शिप टूट गई तो वो पानी में गिर गया और स्ट्रॉम में क्या है, वो उसके अंगेज लड़ रहा था तो, कि मैं कैसे जो है फाइट करके इस तूफान से बाहर निकलूं. एंड स्वैम फॉर मैनी डेज एंड नाइट, और बहुत दिनों तक दिन और रात मैं क्या करता रहा, पानी में तैरता रहा. लकीली आई रीच द सी श्योर, और लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं जो है समुद्र के अंदर से जो सी श्योर है, समुद्र का किनारा है, वहाँ तक पहुँच गया. उसने एक्सप्लेन किया कि मेरा नाम क्या है, गुलीवर है माजिस्टी, और मैं जो इंग्लिश सेलर हूँ, और मैं मुझे जो लोग हैं बहादुर बोलते हैं, साहसी बोलते हैं, और जो है मैं क्या है कंटिन्यू सी में जो है तैरता रहा. क्यों तैरता रहा, क्योंकि जब मैं सेल पर था, सेलिंग पर था, तो क्या हुआ कि बहुत पावरफुल स्ट्रॉम आया, जिसके कारण क्या है मेरी शिप टूट गई और मैं दिन और रात जो है पानी में तैरता रहा, पर लकीली क्या हुआ सी शोर तक पहुँच ही गया. आई ली डाउन एज आई फेल्ट वेरी, और सो मैं लेट गया. क्यों लेट गया, क्योंकि मैं क्या था, वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इतना थका हुआ था कि मैं वहाँ पर लेट गया, और साथ ही साथ क्या था, वीक और हंगरी. मैं बहुत अपने आप को कमज़ोर भी फील कर रहा था, और मैं बहुत भूखा भी था. मैं बहुत ज़्यादा थका था, भूखा था, और बहुत वीक था, इसलिए मैं वहाँ पर थक हार कर जो सी का जो शोर था वहाँ पर मैं लेट गया. आई थिंक आई मस्ट हैव फेंटेड बिकॉज द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर इज फाइंडिंग माई सेल्फ टायर्ड अप बाय योर मैन. सो आई थिंक मेरे ख्याल से आई मस्ट हैव फेंटेड, मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो गया, फेंट मतलब बेहोश हो गया, बिकॉज द नेक्स्ट थिंग जो नेक्स्ट थिंग था, मैंने क्या, मुझे याद है कि जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को क्या देखा कि मुझे कुछ लोगों ने जो है बांधा हुआ है. द एम्परर हु लिसन अटेंटिवली लुक इम्प्रेस, तो कह रहा है जो एम्परर था, राजा था, वो सुन रहा था मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से, अटेंटिवली बहुत ही ध्यान से, और लग रहा था देख के कि वो मेरी बातों से बहुत इम्प्रेस्ड हो गया है. यू डिज़र्व टू बी आर फ्रेंड एंड नॉट अ प्रिजनर, सो ही सेड. सो जो राजा है बोलता है कि तुम डिज़र्व करते हो, तुम हकदार हो किस चीज़ के, कि तुम मेरे दोस्त बनो, ना कि कोई कैदी. ठीक है, तो राजा जो है उसकी बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गया कि दिन रात जो है सी में वो फाइट कर रहा है स्ट्रॉम के साथ, और फाइनली वो पहुंच गया है, इतना बहादुर है, तो उसको लगता है, वो सुन के उसे बहुत इम्प्रेस हो गया है. तो वो बोल रहा है कि जो तुम हो डिज़र्व नहीं करते कि तुम्हें जो है कैदी बनाया जाए, तुम तो दोस्त बनने के लिए लायक हो. ऑल्दो सरप्राइज्ड आई वॉज ग्रेटफुल टू हिम एंड बिगेन लिविंग डियर एज अ फ्रेंड ऑफ द लिलीपुटियंस. ऑल्दो साथ ही साथ मैं बिल्कुल सरप्राइज था, क्यों, क्योंकि क्या मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टू हिम, राजा के लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है उनकी तरफ, थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने मुझे अपना दोस्त तो बनाया ही बनाया है, बट साथ ही साथ क्या किया, मुझे एज ए फ्रेंड कहा, लिलीपुट में रहने के लिए भी जगह दी कि तुम यहाँ पर रह सकते हो. सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव रेड डेट के लिली जो सॉरी गुलीवर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया राजा के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ, कि कैसे जो है मैं यहाँ तक पहुँचा, और उसके सुनने के बाद, सारी बात सुनने के बाद जो राजा है उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, और फिर उसने डिसाइड किया कि तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, तुम्हें जो है प्रिजनर नहीं बनाया जाएगा, तो हमारी कंट्री में रहोगे लिलीपुट में. और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहा इस चीज़ के लिए कि भाई इस राजा ने मुझे रहने के लिए भी दिया, और अपना फ्रेंड भी समझे, मुझे अपना फ्रेंड बनाया. सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. व्हाट विल यू डू, यू विल रीड दिस पैराग्राफ. टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।